और हाँ मेरे को कहाँ दिखा रहा है, मत करो तुम, चले जाओ कमेंट जरूर करना। कमेंट पढ़ने के लिए मैं 10 बार वीडियो को देखता हूँ दिन में। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, और कैसे हो सभी? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो करते हैं हमारा आज का नया ब्लॉग स्टार्ट, और टाइम बज चुका है, 10:30 हो चुका है। और जैसा कल हमारा प्रैक्टिकल था, बट आज हमारा प्रैक्टिकल नहीं है, एक मतलब एक लास्ट प्रैक्टिकल और बचा है बट वो आज नहीं है। और आज हमारा लेक्चर था बट आज मैं गया नहीं, क्योंकि थोड़ा तबीयत थोड़ी ख़राब मेरी भी हो रही है, और आज थोड़ा उठा भी मैं लेट में ही। और रही बात, हाँ, जो कल के ब्लॉग में तुमने देखा होगा, पटजी को मतलब जो बीमारी हुई थी, मतलब इतनी मेजर बीमारी नहीं है वो, बीमारी छोटी सी है, बट वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे। एक्चुअल में हुआ क्या था कि उनके मुंह में दाने वगैरह हो गए थे, और उन्हें मतलब बहुत दवाइयाँ खाई, तो उससे तुम उनके दाने और ज़्यादा बढ़ गए। फिर कल वो हल्द्वानी से कोई डॉक्टर आए थे, तो उनको उनने दिखाया, तो फिर उन्हें और दवाइयाँ दी, तो यार इतनी सारी दवाई देख के कोई भी बंदा वो हो ही जाए। बाकी वो सही है, और अभी वो सो रखे हैं वहाँ पे मस्त से, और अभी खाना बनाता हूँ मैं। और अब आ गए किचन पे, जो मैंने कल रात ही साफ कर दिया था खाना वाना खाने के बाद। और हाँ, एक चीज़, ये कल आंटी का वट सावित्री का व्रत था, तो आंटी ने ये दिए थे, मतलब इसमें गुलाब जामुन था और वो थी, एक पूरी थी और पकौड़ी दिए थे, और इसको सिंगल बोलते हैं, ठीक है, वो तो हमने खा लिया बट ये खाई नहीं अभी, इसे दिन में खा लेंगे। खा रहे हम दाल चावल और अचार, और साथ में आगे चल रहा है EMKOC, क्योंकि यार ये तो बहुत ज़्यादा फेवरेट नाटक है। बट जी भी देखते हैं, बट अभी वहाँ पे चुपचाप से अकेले में ये सुन के ही मज़े ले लेते हैं, और अब जल्दी से खाते हैं खाना। वो खाना वगैरह खा के हम थोड़ी देर सो गए थे और थोड़े आराम किया, और मेरी तबीयत मतलब तो थोड़ा ठीक हो गई है, मैंने दिन में दवाई खाई थी उसके बाद सो गए थे। और फिलहाल अभी चल रहे हैं मार्केट को, और मार्केट नहीं, आज मैं रिवील कर देता हूँ, हम रोज डेली हम जाते कहाँ हैं। और बट जी हमारे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, वाह भाई परफ्यूम देख रहे हो, कौन सा डाल रहे हो, कौन सा? मैं तो भट्टी के वो दिखाता हूँ भाई, इतना फैशन करता है ना बंदा है भाई। बजाज का ये कोई मैं स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। दवाइयाँ डेनवर पॉन्ड्स भाई ये, और रात को ये भी खाते हैं, ये हनी। सो गाइस सब तैयार होते हैं और चल रहे हैं फिर बाहर को, चलो भट्टी आओ। यहाँ पे तैयार होके बैठ गए हैं। यार एक चीज़ मैं दिखाऊँ यार, बड़ी डिफरेंट है ये, क्या चीज़ है पता है? ये फ्रिज है, और हम जो पहाड़ी होते हैं वो हर चीज़ का यूज़ कर ही लेते हैं, और जो फ्रिज था ये बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब क्या हो गया था, और इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, तो अंकल इसको बेचने वाले थे, बट मैंने अंकल को बोला कि अंकल ये इसमें वैसे भी यूज़ हो जाएगा, तो अंकल ने अगर इसको ऐसे बीच से काटा, और इसमें मिट्टी डाल के कुछ चीज़ इस पर लग जाएगी, तो यही है छोटी छोटी चीज़ों का जुगाड़ करके चलना। सुबह सब चलते हैं फिर, चलो करो करो स्टार्ट करो करो, छोड़ो पैदल। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने जैसे तुम्हें पहले ही बताया था, तो आजकल हम जा रहे थे डांस क्लास, और ये हमारे भट्टी माइकल जैक्सन बनने वाला है, कैप देखिए आप, कैप देख सकते हैं। तो हम जा रहे थे वी वायरस डांस अकेडमी, मतलब 1.5 महीने से लगभग हो गया, और मैंने कहा मतलब बहुत टाइम हो गया, तुम लोग सोचते होगे कि रोज मार्केट जाते हैं, बट मार्केट जाते कहाँ हैं, तो हम मार्केट वैसे नहीं जा रहे थे, हम वही डांस क्लास जा रहे थे, और जस्ट हमारी अभी डांस क्लास छूटी है, और पार्टिकल ब्लॉग के साथ बोलना भी नहीं आ रहा, और कितने मंथ बात करेंगे हम रिवील के, हम कैसा डांस करते हैं, और हमारी जो डांस वीडियो है वो भी जल्दी आने वाली है, ठीक है। मतलब हमने मतलब सीख तो लिया, 2-3 गानों में डांस सीख लिया है, एक हमने रोड शो भी करा था, पर वो कॉपीराइट लग गया था, तो गाने हमने कॉपी वाला मतलब। सो गाइस अभी चल रहे हैं हम रूम को, और उससे पहले आए भट्टी वो पिलाने वाले के चाय, चाय चाय से तो प्यार है, खाना नहीं खाऊंगा ना गाइस, सब हम चाय पीने चलते हैं, और उसके बाद चलेंगे रूम को। फिलहाल मैं पिथौरागढ़ के चाय सुट्टा बार के बाहर, और भीड़ हुई है, चलो फिर भट्टी चलो। एक अदरक चाय दे देना, ठीक है, दो। और कैसा लग रहा है फिर, आपको कैसी लगती है आगे चाय? गुड। तू क्या करेगा?
आंटी आप नाराज तो नहीं हो हैं? बताओ तो सही, नाराज तो नहीं हो? क्या करना है, मेरे नाराज हो गए तो कोई नुकसान होने वाला? हाँ फिर नुकसान होगा ना, क्या है नुकसान? फेस्टिवल्स आते हैं, हम इंतजार करते हैं। एक आप ही तो हो पिथौरागढ़ में हमारा सहारा। क्यों? मेरे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, मेरी तो आंटी है रिश्तेदार। मैंने आंटी से कह भी रखा है, वही लड़की मेरी आंटी पक्का? ये हमारी इतनी अच्छी आंटी है, अभी इसमें दूध दे गई और बड़ी जी ने चाय बनाने के लिए रख दिया। और आंटी कल रात मैंने सुबह तुम्हें दिखाया था, आंटी को दे गई थी और अभी दूध दे गई। ऐसी आंटी सबको नहीं मिलती। क्यों आंटी, हेलो कर दो ऐसे। हेलो, किसके से कहा था? अनजान अनजान शहर में हमें एक आंटी मिली, एक पिथौरागढ़ जैसे शहर में हमें इतनी अच्छी आंटी मिली। हम बड़े सौभाग्य वाले हैं। क्यों आंटी, खुश नसीब है? खुश नसीब है, हम बहुत खुश नसीब है, ऐसे लोग मिलते हैं। हाँ रियल में नहीं तो यहाँ आंटी कहीं कर्म होंगे पिछले जन्म के, मेरे होंगे इसके मुश्किल लगता है। मेरे होंगे भाई, मेरे होंगे इस वजह से, मेरी वजह से खा देता है। देख रहा हूँ आंटी, किस्मत पता है एक दूसरे की भी काम करती है। कभी कभी गाड़ी होती है पलटते पलटते पड़ जाती है, एक की किस्मत होती है, एक का लक्ष्य अच्छा होगा और अगर और किसी की किस्मत खराब होगी तो पड़ता है। वो दूध वाली है, दूध और हमारे जो कॉलेज का एग्जाम होने वाला है ना उसकी भी डेट शीट आ गई। और अभी डेट शीट मतलब थोड़ी देर पहले आई थी, मतलब आ तो पहले दिन ही गई थी बट मैंने आज देखी और उसके बाद मैंने इधर पे ये पीछे दीवार है ना इधर पे लगा दी। और ये चीज़ पता मैंने किससे सीखी, एक हमारी क्लास का एक हमारा क्लासमेट था जब हम पहले कॉलेज करते थे, अभिषेक तिवारी, मास्टर तिवारी, तो भाई तुझसे ये चीज़ सीखी कि एग्ज़ाम जब भी शुरू होते हैं तुम्हारे तब क्या करो, अपने जहाँ तुम सोते हो उधर बैठ के ऊपर ये लगा दो अपनी डेट शीट। इससे तुम पढ़ाई करो या ना करो बट एक मोटिवेशन मिलेगा, एक डर लगेगी कि तुम्हें तुम्हारे एग्ज़ाम है और तुम्हें पढ़ना है। और हमारे एग्ज़ाम ये लगातार ये मेरी है और बगल में भट्टी जी की, तो भाई ऐसा ही चल रहा है और भट्टी जी भी खाना बना रहे हैं। तो अभी टाइम हो गया मतलब 10:30 बज गया है और आज मैं खाना खाने में बहुत ज़्यादा लेट हुई। मैंने तो खाना खा लिया और भट्टी जी ने भी खाना नहीं खाया क्योंकि कॉलेज का हम काम कर रहे थे और खाना वाना हमने बनाया और मैंने तो खाना खा लिया। और भट्टी जी आज तुम्हारी सब्जी रिवील कर दे क्या? और हाँ वो बता दूँ मैं तुम्हें, इधर आओ, मैं बहुत से लोग पूछ रहे थे भट्टी जी को क्या हुआ। सो गाइस भट्टी को मतलब ऐसे ज्यादा कुछ नहीं होता, मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, आज तो भट्टी कूल हो गए हैं और भट्टी के मुंह में थोड़े बहुत पिंपल्स हो गए थे। आज तो ठीक है ना, क्या खा रहे हो? क्या क्या है? सब्जी नहीं बनाई आज? बनाई तो थी यार, कौन सी थी बता दो, बता दो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब गाइस। सब्जी तो खा लो यार। और मिलते हैं तुमसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ अभी गुड नाइट हुई नहीं है, उससे पहले एक और चीज दिखाता हूँ, आज मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ ठीक है, दिखा दो। और ये है भट्टी जी खाना खाते हुए, कैसा हो रहा भट्टी जी? आटे का हड्डी नहीं कुछ थोड़ी होता है यार, खाना ही तो है, आटा भी तो खाना ही है। क्यों और कुछ पानी पिला देते ऐसी बात है? अरे लाइक नहीं कर रहे यार वीडियो को, लाइक तो नहीं कर रहे हो रे? लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे यार। तो मैं एक चीज बताऊंगा, अभी नहीं बताते। कौन सी वाली? जब हमारा चैनल ग्रो होगा तब बताएंगे। कौन सी वाली? एकदम बताएंगे ना कि क्या मेहनत करी हमने, मतलब हाँ यार मेहनत तो बहुत ज्यादा करी। क्या 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 करा कैसे, मतलब हमारी बताएंगे, जरूर बताएंगे, अभी नहीं बताते हैं। जब हमारा चैनल ग्रो होगा मतलब समथिंग 10,000 व्यूज हमारे जाएंगे तब बताएंगे ना, जब थोड़ा थोड़ा
समझ जाओ। सो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, और शेयर करना, और कमेंट जरूर करना, लाइक मत करो तुम, चले जाओ कमेंट जरूर करना, कमेंट करने के लिए 10 बार वीडियो।